इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो सोच रहा था कि मुझे गोली मारेंगे, पर उन्होंने अपने आप को गोली मार के और फिनिश किया भाई। और फिर इसके बाद उन दोनों पर केस हुआ। और बोलते ना कि जब कोई खत्म हो जाता है तो सब चीज विसर्जित कर देते हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। सब चीज उनकी जो यादें हैं वो सब संभाल के रखी हुई थी भाई। और वो जब गया तो वो देख के शॉक्ड रह गया। और जब चीज रिजल्ट जब सामने आया तो रिजल्ट क्या आया पता है? सामने वाले को ये लग रहा था कि ये मारते पीटते हैं किसी को, इस वजह से ही बार बार बेस्टमैन जाते जाते हैं। पर वहां उन जो आंटी थी, और जब पुलिस वालों ने उन्हें देखा सामने आते हुए, सबसे पहले उसे उठाया, और उसे उठाने के बाद सामने वाला जो स्क्रीन के पीछे था उसे उठाया, दोनों को उठाया और पूछताछ करी। तो पूछताछ में ये सामने आया कि हमने ऐसा ऐसा किया था, पर अंकल ने अपने आप को गोली क्यों मारी? अंकल डरे नहीं थे, ना उनकी हॉरर स्टोरी से डरे थे, ना कुछ से डरे थे। अंकल को ये लगा कि मेरी वाइफ मुझे इंडिकेट कर रही है कि अब आ जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, आपका @ हिंदी न्यूज़ फैक्ट में स्वागत है एक हॉरर स्टोरी के साथ। ये स्टोरी हम में से किसी की नहीं है, पर मेरे एक मित्र ने मुझे आज एक हॉरर स्टोरी बताई है, वो दिल्ली की है। ये मेरे मित्र की भी स्टोरी नहीं है, दो यूट्यूबर की स्टोरी है। एक दो यूट्यूबर थे, घनिष्ठ मित्र थे वो, और बचपन से दोनों साथ में पढ़े लिखे हैं। अच्छी फैमिली बैकग्राउंड था उनका, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनकी जो कहानी है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी इंटरेस्टिंग ऐसे है कि दोनों बचपन से साथ में पढ़े बड़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, और दोनों के जो फादर हैं उन दोनों का अच्छा जबरदस्त बिजनेस है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। और उन्हें जैसे हम एक शहर से दूसरे से ट्रेवल करते हैं ना, वैसे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करते हैं नॉर्मल तरीके से। इतना पैसा है आप समझ लो कि कितना पैसा होगा उनके पास जब ऐसे ट्रेवल करते हैं। तो दो दोस्तों की मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, घूमने जाना, सब कुछ साथ में होता था। एक दिन उनके दिमाग में एक चीज चली कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ न्यू कंटेंट लेके आना चाहिए। ये 15-16 की बात है, तो उनके दिमाग में चीज चली। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि यार कुछ यूनिक में क्या करें, लोग हॉरर पे बात कर रहे हैं, लोग न्यूज पे काम कर रहे हैं, लोग फनी कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब पर। अब इतना पैसा होना था उनके पास, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसे इन्वेस्ट किया जाए, सही बात है। तो उनके दिमाग में जो चीज चल रही थी ना यूट्यूब पे, ऐसा अभी तक किसी के दिमाग में नहीं चला होगा, ऐसा कंटेंट वो लेके आए। इस कंटेंट की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। आज तुम क्या कंटेंट था वो कंटेंट मैं आपको बताता हूँ ना, कि अब ये स्टोरी में इंक्लूड होगा। उन्होंने क्या किया कि जो उनका कंटेंट था ना, उनका कंटेंट ऐसा था कि डायरेक्टली नाइट में 11-12 के बीच का कंटेंट उनका ऐसा था कि हम कोई ऐसे व्यक्ति को तलाश करेंगे जो अकेला हो, जो घर में पूरे घर में अकेला हो और एजेड हो। ये मान के चलो कि बुजुर्ग, हाँ 60-70-75 साल का व्यक्ति कोई भी हो, और अपने जीवन कैसे व्यापन करता अकेले, इस टाइप का हाँ, मन में नहीं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अच्छा उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम उसके घर को पहले, सबसे पहले वो घर से जैसे ही कहीं बाहर जाएगा। और ऐसा उन्होंने किया। अब मैं स्टोरी पे ही आ जाता हूँ कि उन जहाँ वो रहते थे उनके घर से एक गली दो गली पीछे एक बुजुर्ग का घर था जो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल थे वो। अच्छा। तो उन्होंने टारगेट किया। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उनकी फैमिली में, ना मतलब कोई भी नहीं था उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। अकेले थे अपना जीवन यापन करते थे। तो उन्होंने पहले 2 दिन तो उन्हें देखा वो दोनों ने, एक इनका कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, रूटीन चेक किया उन्होंने। अब रूटीन में उन्होंने पाया कि ये दिन में कहीं जाते हैं, तो दिन में 1.5-2 घंटे के लिए जाते थे। तो भाई वो इतने एक्सपर्ट थे कि उन्होंने जो गैजेट्स उनके पास थे उनके हर एक रूम में जाके लगा दिए। किसने लगाई है? दोनों यूट्यूबर ने, जो यूट्यूबर थे ना, जो अपना चैनल क्रिएट किया उन्होंने और अलग कंटेंट लगाना चाहते थे दोनों ने। उन्होंने क्या किया कि एक अलग ही वे में उनका इस पर भर भर के व्यू आएंगे। व्यूज के चक्कर में उन्होंने मतलब कंटेंट ही उनका गलत था भाई। अगर किसी के साथ तुम कर भी रहे हो ना प्रैंक, ये तो प्रैंक ही हुआ, अगर किसी के साथ कर रहे हो तो तुम किसी को इंडिकेट करोगे भाई, मैं परमिशन लोगे ना पहले तो कि मैं ये चीज कर लूं। पर ये रिएक्शन देखना चाहते थे, विदाउट परमिशन रिएक्शन देखना चाहते थे, सामने वाला डरता है या नहीं डरता है। तो सामने वाले ने उनके किचन में, उनके रूम, हर रूम में, वो जहाँ बैठक रूम था उसमें भी उन्होंने सब जगह ऐसे कैमरे लगा दिए, हिडन कैमरे लगा दिए, किसी को दिखाई ना दे। और माइक भी अच्छे, मतलब यार ज्यादा पैसा खर्च किया, हेवी वाले माइक कितना कैच कर लेते हैं, बहुत 20-20 फीट का कैच कर लेते हैं। तो उस टाइप के उन्होंने माइक लगा दिए सब जगह। अब माइक लगा दिए, सब कुछ हो गया, रात में 11:30-12 बज गया। अब वो बैठ गए अपनी जगह, दोनों यूट्यूबर कैच करने वाली जगह जहां वो देख पाते हैं उन्हें प्रॉपर हर कैमरे को कैच करके कि अंकल अब क्या कर रहे हैं, उनका मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या अंकल का,
अगर वो चल के किचन में भी जा रहे हैं ना अंकल, तो प्रॉपर ये कैमरे में दिखाई दे रहा है कि वो चल के जा रहा है, और आगे वाले कैमरे में दिखाई दे रहा है कि ये किचन में 360 कैमरा लगाया था क्या उन्होंने? नहीं, जो भी लगाया हो कि मतलब प्रॉपर हर कैमरे में जहां भी जाते हैं पूरे प्रॉपर दिखा, पूरा कैच करता था वो, मतलब ये हां हां ऐसा हो रहा था उनके साथ। पर उन्होंने क्या किया कि वो 11:30-12 बज गए होंगे, वो बैठ कर टीवी देख रहे थे बकायदा रात में। हाँ, जो आर्मी से रिटायर्ड थे कर्नल, वो मतलब टीवी वगैरह देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने कैमरा लगाया था किचन का, उन्होंने सबसे पहले किचन में कैमरे की आवाज साउंड किया उन्होंने, और वो साउंड की आवाज क्या थी कि जैसे अपन किचन गैस के ऊपर सब्जी वगैरह कुछ बनाते हैं और उसकी आवाज आती है, छोक लगाने से बोलते तड़का 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 लगाने की आवाज, और प्लस बर्तन बजने की आवाज। तो ये प्रिंट मंदन वहां से बैठे बैठे किया? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बैठे बैठे किया वहां से? भाई उन्होंने सब हैक करके रखा था और वो कनेक्ट कर रहे थे जैसे मूवी में होता ना, सेम वैसे ही हो रहा था। और उन्होंने ये तक कनेक्ट कर लिया था, मतलब उनके घर की सारी चीजें उन्होंने हैक कर ली थी, ये समझ लो, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, बिजली पता नहीं कैसे क्या अप डाउन करते थे, बंद चालू, रिमोट सिस्टम हो गया आजकल पंखों में भी। हाँ। अब वो करते थे, उसके बाद टीवी आपसे बंद हो जाना, आपसे चालू हो जाना, और ये लैपटॉप मतलब हॉरर प्रैंक के तुमने डराने के लिए। हाँ। और पूरे घर को उन्होंने क्या किया परिमंदा, ये समय क्या तुम जान भी जा सकती थी? तो भाई ये तो नहीं सोचा, सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने ये बुजुर्ग आदमी है, और बुजुर्ग इंसान जिसके घर में कोई नहीं है, हार्ट अटैक का खतरा सब कुछ हो सकता था। नहीं तो नशा वगैरह भी करते थे क्या भाई? मिलिट्री वाले कहाँ, वो तो एक अलग ही जिंदगी जीते हैं, रॉयल जिंदगी रहती है, इसमें सही बोला अमन भाई आपने, तो उनका एक अलग ही फंडा था। पर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने वो टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते सामने वाले ने किचन में मूवमेंट किया, तो वो एकदम स्ट्रोक गए अंकल टीवी देखते देखते कि भाई मेरे घर में मेरे अलावा कोई है नहीं, ये आवाज कैसी आ रही। वो किचन की तरफ गए, किचन की तरफ जैसे गए किचन में जाके देखा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं तो वो जैसे ही किचन से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर वाले रूम में से एक हॉरर का वो स्टार्ट, हॉरर आवाज निकाली, हॉरर की आवाज निकालने लगी भूत की। तो वो सबसे पहले जैसे ही आवाज आई एकदम तेज, तो वो सबसे पहले दौड़ते दौड़ते बेसमेंट में चले गए, बेसमेंट में उनके घर बेसमेंट बना हुआ था उसमें चले गए। अब ये दोनों सोचने लगे कि यार ये घर से बाहर निकल बेसमेंट में क्यों चला गया। अच्छा बेसमेंट में गए, अच्छा गए फिर उनके ही घर में बेसमेंट बना हुआ था जो आर्मी वाले रिटायर्ड अंकल थे, बेसमेंट बना हुआ था, वो बेसमेंट में गए तो वो आए नहीं, प्रैंक इनके साथ हो गया। ये अच्छा ये वहां कैमरा लगाना भूल गए, तो इन्हें पता ही नहीं था ना बेसमेंट भी घर में। हाँ हाँ। अच्छा तो अब इनके साथ प्रैंक हो गया, रात भर निकले संकोच पड़ गया, अब ये हो गया। अब ये देखे तो भाई सुबह ही हो गई, वो निकले ही नहीं। अब चलो वो दिन तो गया, अब इन्होंने दूसरे दिन सोचा, अब इनके दिमाग में खलबली मच गई, प्रैंक इनके सामने सही बात है कि यार हमने तो इन्हें डराने के चक्कर में ये बेसमेंट में जाकर कर क्या रहे हैं ऐसे। अब इनके दिमाग में बहुत खलबली मची कि यार इधर भी हमने कैमरा लगाना था, कैमरा हमने लगाया नहीं। अच्छा उन्होंने जैसे तैसे अंकल को वही जो उनके घर में मूवमेंट हो रहा था ना उसी की वजह से उन्होंने, अंकल जैसे सुबह घर में गए होंगे और दोपहर में उनके जाने का टाइम हो रहा होगा, तो वो गए उन पे नजर थी इनकी पेनी, वो जैसे ही गए वैसे ही वो इनके बेसमेंट में गए और उन्होंने कैमरा वहां पर भी फिट कर दिया वहां भी जाके रूम में। हाँ पर इन्होंने लाइट वाइट नहीं जलाया, जो भी वहां चीज थी उस पे ज्यादा फोकस, मतलब जहां तक जाना था वहां तक नहीं गए, बेसमेंट का जो वो रहता है ना मेन गेट वहां पर लगाया था, अंदर तक का कुछ नजर नहीं आ रहा था ना ही दिख रहा था। तो अब उन्होंने कैमरा लगाया कि यहां जाते क्यों है, और आगे जाने के लिए वो जाते पर ताला लगा हुआ था। अब कंडीशन ये थी कि जब वो गेट खुला रहे तभी जाए, और अंकल बहुत रूडली थे, अंकल को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अगर बाजू में किसी के यहाँ ढोल बज रहा है, कुछ हो रहा है, कोई प्रोग्राम डीजे वीजे, तो अंकल बहुत चिड़चिड़े टाइप के थे, एजेड होने लगते होंगे। हाँ हाँ एजेड थे, और बच्चे अच्छे बिल्कुल नहीं थे उनके, कोई भी नहीं था, शादी वादी हो गई थी भाई, बीवी थी उनकी, थी उनकी। हाँ एजेड थे, अब वो अकेले थे, मतलब लाइफ में उनके आगे भी कोई रिश्तेदार नहीं, पीछे भी कोई रिश्तेदार नहीं। ठीक है, सेकंड डे आया तो सेकंड डे अब इन्होंने फिर से आतंक बनाने की कोशिश करी, अब इन्होंने सेकंड डे फिर से वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अच्छा जैसे ही इन्होंने हॉरर आवाज निकाली, तो वो देख के सबसे पहले जैसे ही हॉरर की आवाज आई, वो उनके रूम से निकल के सबसे पहले बेसमेंट में फिर चले गए। अच्छा अंकल दोबारा चले गए सेकंड नाइट। अब इन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ यार, सेकंड नाइट भी ये बेसमेंट में चले गए। अच्छा वो हॉरर फिर बंद हो गई, फिर वो निकल के फिर रूम में चले गए, तो रूम में जाके फिर बैठ गए, और फिर इन्होंने हॉरर आवाज निकाली, फिर वो आ गए। अब ये संकोच में बैठे हुए हैं दोनों यूट्यूबर कि ये क्यों रहा है, हो क्यों रहा, सही बात है। हाँ, तो अब एक का दिमाग चला जो उसमें से बड़ा वाला था, उसका दिमाग चला कि मैं होके आता हूँ, तू यहाँ से संभालना।
बैठे बैठे। अब उन्होंने कब, उसने मना भी किया जो छोटा वाला था यूट्यूबर, मतलब दो दो मित्र थे, एक ने कहा रुक जाओ, हाँ हाँ ऊपर एक गन्ने बोले नहीं यार मैं जाऊंगा चेक करने के लिए, हो देख के आऊंगा कि ऐसा क्या है ये बार बार मसला क्या है, यहाँ से हाँ यहाँ से हॉरर का वो आवाज करते हैं और ये डायरेक्टली उधर भागते हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे थे और वो समझना चाहते थे और अंकल समझने देना नहीं चाहते थे, वो सोच रहे थे अंकल डर रहे हैं तो बार बार बेस्टमेंट में जा रहे हैं, और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि बेस्टमेंट में है क्या, हम इधर से आवाज निकालते हैं बेस्टमेंट में भाग जाते हैं। अच्छा उनको लग रहा होगा ये डर के मारे बेस्टमेंट में तो नहीं भाग रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं भाई, भाई चल ही रहा होगा उनके दिमाग में। अच्छा पर उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि बेस्टमेंट में ऐसा है क्या, मैं वहां जाकर देखूंगा ही। तो अब लड़के ने क्या किया, और अब इन रूम में बैठे हुए अंकल, अब उसने कहा हॉरर फिर से साउंड कर, उस जैसे ही साउंड किया अंकल ने ना, फिर उस दौरान अंकल रूम से निकले ना बेस्टमेंट में गए, वो जाके कार में बैठ गए और कार में बैठ के कुछ सोचने लगे। इतने में क्या किया कि जो बड़ा वाला था बंदा जो यूट्यूबर था वो चला, वो बेस्टमेंट की तरफ जाने लगा, तो उसने देखा जैसे ही आवाज आई उस अंकल गाड़ी में निकल के दौड़ते दौड़ते बेस्टमेंट की तरफ गए। बेस्टमेंट में जैसे ही वो अंदर गए तो अब इसे बचना था, तो ये वहां पर एक टेबल रखा हुआ था उसके नीचे पीछे जाके ये छुप गया। अच्छा छुप गया। अब जैसे ही अब उसने कहा यार कुछ आवाज निकाल अंकल बाहर जाएंगे तब तो मैं काम करूंगा, तो अब उसने सामने वाले को इंडिकेट किया, उसने आवाज निकाली, अंकल फिर से जाके वो रूम में ना जाके वो गाड़ी में जाके बैठ गए। अच्छा गाड़ी जाके बैठ गए। हाँ फिर हो रहा की आवाज आई, वो उठ के जाने ही लगा जैसे ही अंदर बेसमेंट में जो छुपा हुआ था, तो फिर अंकल उठ के पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला, वो दौड़ते हुए आया बेसमेंट में चले गए अंदर। अच्छा दौड़ के जा से हाँ आवाज आने आवाज आई तब। साइको टाइप थे क्या भाई? साइको टाइप के नहीं थे, उनकी जो स्टोरी तुम सुनोगे ना अरे भाई मेन मूवमेंट अब है यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ वो जो कहानी का जो ट्विस्ट है ना मेन ट्विस्ट अब है। अच्छा तो उन्होंने क्या किया कि वो वहां पर गए और जाने के बाद उन्हें देखा कि कुछ नहीं है, वो वहां से जैसे ही रिटर्न आ रहे थे तो अब इसने कहा ये बाहर निकल रहे हैं, तो जो छुपा हुआ बंदा था ना वो ऐसे झांक के देखने लगा इन्हें अंकल को और अंकल ने उसको देख लिया। हाँ और अंकल ने उन्हें देख लिया। अच्छा मेन चीज ये है कि रिटायर बड़े अधिकारी रहते हैं ना, तो वो करते क्या है उन्हें पिस्तौल दी जाती है सबको, सभी के पास रहती है, छोटे से बड़े तक सभी के पास रहती है, और उन्हें परमिशन भी रहती है कुछ हद तक। नहीं तो ये उन्होंने वो करवा ली होगी अपने नाम अलॉट करवा ली होगी, सभी के नाम पर रहती है, तब वहाँ से रिटायर होते हैं तो पर्सनली दी जाती है सबको। अच्छा हाँ वो सही बात है, गनमैन की नौकरी वगैरह के लिए, गनमैन की नौकरी, पर उनके पास छोटी वाली थी। अच्छा सिक्स राउंड। हाँ हाँ पर्सनली रखते थे वो अपने पास एनी टाइम। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो लड़के ने इसे झांक के देखा तो उन्होंने उसे भी देख लिया। अच्छा वो पीछे टर्न कर गए तो वो निकल के जस्ट सामने आया, तो वो जस्ट सामने आया तो अंकल ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, उस बंदे को हमने लोग मार दिया होगा? नहीं भाई यार स्टोरी पर लड़ गई। क्यों? उन्होंने क्या किया कि उसे मारने की बजाय वो हो गया पानी पानी जब उन्होंने गन निकाली ना। अच्छा पूरा वो कांप गया होगा पूरी तरह से वो, कि भाई ये तो अलग ही सीन हो गया, क्या होगा यार। और जो यूट्यूबर उधर से ने स्क्रीन पे देख रहा था उसके भी चक्के छूट गए, उन्होंने कहा यार खेल हो गया अब तो कहानी पूरी खत्म। पर उन्होंने क्या किया उसकी तरफ ऐसे करने की जगह खुद को ऐसा कर लिया। ओ माय गॉड खुद को मार लिया। हां भाई खुद को मार लिया। ऐसा क्यों भाई? भाई इसका रीजन ये था कि उस वो सॉफ्ट हो गया, जैसे ही गन चली वैसे ही आवाज आई तो आसपास वाले सब लोग एकत्रित होने लगे कि भाई गन कहाँ से चली। हाँ, आवाज कैसी है? हाँ, आसपास वाले जितने भी लोग हैं सब आ गए और पुलिस वाले को कॉल कर दिया। अब इसकी फटे में जो वहां पर था, अब उसने कहा मैं बाहर निकलूंगा तो ये पकड़ लेंगे, और वो बोल रहा है जो इन्हें स्क्रीन पर देख रहा है वो बोल रहा है बाहर निकल, पर इनके गैजेट्स भी लगे हैं वो निकालना जरूरी है। सही बात है। ये देखने के पर्पज से इसने कहा बेस्टमेंट में हो गया, और बेस्टमेंट में गया वहां देखा तो वो भी सन्न रह गया। वो पता क्यों पर क्या पर्पज था उसका, उसके दिमाग में चल रहा था कि अंकल बेस्टमेंट में इसलिए जाते हैं अंकल ने किसी को बांध के रखा हुआ है और ये मारते होंगे उसे, वो देखने के पर्पज से या फिर किसी औरत को या फिर किसी को प्रताड़ित करते होंगे। हाँ उसके दिमाग में ये चल रहा था जो यूट्यूबर था, पर वहां जाके देखा तो वो खुद खेल उल्टा ही हो गया। उल्टा ये हो गया कि जो आर्मी वाले जो अंकल थे उनकी वाइफ 2-3-4 साल पहले शांत हो गई होगी, तो वो इस वजह से बहुत डिप्रेस्ड रहते थे, वो उनकी याद को बोलते ना कि जब कोई खत्म हो जाता है तो सब चीज विसर्जित कर देते हैं। पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, सब चीज उनकी जो यादें हैं वो सब संभाल के रखी हुई थी भाई, और वो जब गया तो वो देख के सॉफ्ट रह गया। और जब चीज रिजल्ट जब सामने आया तो रिजल्ट क्या आया पता है, सामने वाले को ये लग रहा था कि ये मारते पीटते हैं किसी को, इस वजह से ही बार बार बेस्टमैन जाते हैं। पर वहां उन जो आंटी थी और जब पुलिस वालों ने उन्हें देखा सामने आते हुए, सबसे पहले उसे उठाया और उसे उठाने के बाद सामने वाला जो स्क्रीन के पीछे था उसे उठाया, दोनों को उठाया और पूछताछ करी, तो पूछताछ में ये सामने आया कि हमने ऐसा ऐसा किया था। पर अंकल ने अपने आप को गोली क्यों मारी, अंकल डरे नहीं थे,
ना उनकी हॉरर स्टोरी से डरे थे ना कुछ से डरे थे. अंकल को ये लगा कि मेरी वाइफ मुझे इंडिकेट कर रही है कि अब आ जाओ मेरे पास, पूरा हो गया आ जाओ मेरे पास. हाँ, आ जाओ मेरे पास. तो उन्होंने क्या किया कि वो जब जब बेसमेंट में जाते थे ना तो क्यों जाते थे, इन्होंने अपने रूम में पूरे कैमरे लगा के रखे थे और जैसे ही हॉरर आवाज करते थे ना तो उनकी उनकी वाइफ की जो सारी यादें हैं वो थी. अच्छा, बेसमेंट में रखी हुई थी. हाँ, तो अंकल उन्हें देखने जाते थे कि मेरी वाइफ मुझे बुला रही है. अंकल इस पर पस्त जाते. सदमा तो नहीं मिटा अंकल को, शायद हो सकता है. नहीं तो हो सकता है सायको, अब भाई इतनी एज भी हो गई थी, पर वो इस पर्पज से वहां पर जाते थे और वहां से वो रिटर्न आते थे और फिर से बार बार जब साउंड आता था तो वो रिटर्न भग के जाते थे. तो वो इसी पर्पज से जाते थे कि मेरी वाइफ मुझे देखे और मुझे इंटरेक्ट करे, मेरे से बात करे और मैं उनके पास चले जाऊं. इस पर्पज से जाते थे क्योंकि बहुत दिल से प्यार करते थे उनकी वाइफ को, बेपना प्यार है. हाँ हाँ. और अब इन्हें कैसे पता चली इस चीज की, जब वो चीजें उन्होंने देखी ना उनकी कि भाई ये हमारी साउंड से नहीं डर रहे, ये यहाँ इनकी वाइफ की यादें हैं इस वजह से यहाँ आते हैं. और फिर उन्होंने उस बंदे को देखा, उन्होंने कहा जैसे ही वो सामने आया तो उसे देखा और इन्होंने अपने आप को गोली मार ली. वो सोच रहा था कि मुझे गोली मारेंगे पर उन्होंने अपने आप को गोली मार के और फिनिश किया भाई. और फिर इसके बाद उन दोनों पर केस हुआ और केस अभी भी चल रहा है 2015-16 में. भाई वो अभी जेल में है कि इनकी बेल हो गई? भाई जेल में है, जब इतनी पब्लिक ने देखी है उनके स्टेटमेंट आए होंगे सारे वहाँ इतने गवाह होंगे. ये पकड़ा कैसे, गैजेट वगैरह कुछ? भाई गैजेट से तो पकड़ा ही जाती, वो बायफेस पकड़ा गया ना, वो छुपा हुआ. अच्छा, एक पकड़ा गया था एक. हाँ, छुपा हुआ होता क्या है, छुपा हुआ था. और जब सामने वाला पकड़ाया गया तब सामने वाले से पूछताछ हुई तो उसने पूरा विस्तार से बताया कि हम ऐसे ऐसे प्लान करते थे और हम ऐसे करते थे. एक तो वो फर्जी काम कर रहे थे और दूसरा हॉरर पे काम कर रहे थे. इस प्रकार से 70-75 साल का इंसान था, उस पे काम कर रहे थे तो सामने वाला डर जाए और तुमने परमिशन नहीं ली, विदाउट परमिशन ये काम कर रहे हो, किसी भी वीडियो से ना गलत बात है. बहुत सी ऐसी चीजें थी भाई, वो पकड़ा गए. और वो जितने अमीर थे ना किसी ने कुछ नहीं कर लिया क्योंकि भाई कानून से बड़ा सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है. तो वो अभी जेल में है, जेल की सजा काट रहे हैं अब, क्योंकि भाई उन्होंने ही की नहीं, भले उन्होंने खुद को सुसाइड किया पर सामने तो सामने वाला था ना. सही बात है. तो ये चीज इस तरीके से हुई भाई, ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए. एक हॉरर स्टोरी थी, हॉरर स्टोरी नहीं थी मतलब एक किसी की लाइफ का पर्सनल पार्ट था जो हमने तुम्हें शेयर किया. और एक यूट्यूबर की कहानी थी कि भाई अगर यूट्यूबर भी बन रहा है तो घर पे बैठ के कहानी सुना दो, घर पे बैठ के प्रैंक कर लो, पर ऐसे किसी के सामने किसी को बिना बताए ऐसा प्रैंक मत करना. हार्ट अटैक भी आ सकता था, उनकी जान जा सकती थी. अब हार्ट अटैक तो नहीं आया, आर्मी वाला बंदा था, वो इन चीजों से डरता नहीं है क्योंकि आर्मी वालों को आप पता देश की रक्षा कर रहा है, मतलब समझ सकते हो कि कितना उनमें वो होगा पावर. और उन्होंने उनकी बीवी की याद में अपनी जान दी और जो यूट्यूबर थे उन्हें सजा मिली. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए. जय श्री राम.